सो गाइस देख सक रहे हो ब्यूटी का मेकअप कैसा लग रहा है ब्यूटी। मुझे मैसेज करके आपकी नंबर लेने के लिए, तो मैं तब क्या करूं? दे देना। सो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइस आज हम लोगों का प्लानिंग है ब्यूटी, कहाँ जाने वाले हम लोग? हैदराबाद। तो सो गाइस हैदराबाद में ब्यूटी का फोटो शूट है और ब्यूटी का एक वेस्ट बंगाल की तरफ से नंबर वन क्रिएटर का इवेंट भी दिया गया हुआ है और हम लोग जा रहे हैं फोटो शूट करने के लिए हैदराबाद। तो फर्स्ट टाइम जाएंगे हैदराबाद और काफी दिनों बाद हम लोग निकल के जा रहे हैं ना बाहर कहीं घूमने को। देखो ब्यूटी तैयार हो गई है, कल दो दिन से तैयारी कर रही है लग रहा है ऐसा। कहाँ हटा रही हो मुझे? सो गाइस चलो देखते हैं और क्या क्या करते हैं हम लोग, सारी चीजें दिखाएंगे जाते जाते। चलो ब्यूटी नर्वस नहीं? मैं हो चुकी नर्वस। क्यों? ये हमेशा नर्वस हो जाती है दीदी, इसलिए मैंने इससे पूछ लिया कि चलो पूछ लेते हैं नर्वस है क्यों। हो जाती है, इसका कोई इलाज नहीं। अच्छा इसका ब्यूटी का भी मेकअप चालू होने वाला है। तो क्या बनाओगे आज इसको मैम आप? कॉस्ट्यूम ड्रेस। ओके आपने अभी इसका कुछ हेयर पे अभी ऐसा कुछ उठा हुआ बनाया था अभी हाथ से? नहीं नहीं मैंने अभी देखा था सच, मुझे मुर्गा जैसा बना लेते कुछ। मजाक कर रहा हूँ, डोंट माइंड। चलो देखते हैं है ना, ये तो फिलहाल आफ्टर है, बिफोर भी देखते हैं ना। तैयारी चल रही है। तो आरजे भैया कैसे लग रहा है कॉस्ट्यूम चेंज कर करके? बहुत खराब। आदत ही नहीं है। थोड़ी देर पहले आपको मेकअप करवाया गया था। अब मेकअप नहीं है। हाँ ये देखिए मेकअप में मेरा लुक कैसा लग रहा है। पहले आपको ड्रेसअप कर लेना चाहिए था। आप लोगों को पहचानना चाहिए कि ये आरजे प्रवीण मेकअप में ऐसे दिखते हैं। वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा यार, सेम यार, सेम यार ब्रदर। अभी हम लोग और बातचीत करेंगे। वीडियोस में वीडियोस ज्यादा सामने से मतलब हैंडसम ज्यादा देखते हैं। थैंक यू यार। अभी हम लोग और ज्यादा बातचीत करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो गाइस देख सक रहे हो ब्यूटी का मेकअप कैसा लग रहा है ब्यूटी। अरे आप आंख बंद रखोगे तो कहां से पता चलेगा? कुछ तो लग रहा है यहाँ, दिख रहा है। और हमारे जो दी लोग हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं देखो ब्यूटी के पीछे में, इसलिए बोलते हो ना क्या आया करो यार। वैसे भैया ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया ना। बेस्ट वो पेन चेंज चेंज या इट्स लवली थैंक यू बेस्ट ऑफ लक सी यू सून बाय भैया सी यू। हेलो मैम। हेलो टाटा बाय टाटा। काफी मेहनत करते हो आप सचमुच। हां हां काफी मेहनत करते हो। थैंक यू वेरी मच। मैं जब से आया मैं तब से आप ही को नोटिस कर रहा हूं। अच्छा एकदम कंसंट्रेटेड इस फोटो में हैदराबाद में मेरा 2 डेज हो चुका है और हम वापस जा रहे हैं ताज पे और भैया के साथ काफी मजा आया। और भैया आप यार सभी लोगों को हैदराबादी सिखा रहे हो यार, हमारे ब्लॉग में भी हैदराबादी वाले कुछ बात बताओ कि नहीं?
अजय मुझे, मैं आपको सवाल करता हूँ, ठीक है? ठीक है। वो हैदराबाद का सबसे फेवरेट चीज खाने पे क्या है? बिरयानी। और ड्रेस पे यहाँ पर किस टाइप का लुक पहनते हैं गर्ल्स लोग? गर्ल्स ज्यादातर यहाँ पर जीन्स और टी शर्ट चलेगा। जीन्स और टी शर्ट। और शादीशुदा? शादीशुदा साड़ी पड़ेगा। साड़ी। अच्छा, यहाँ बुरखा नहीं चलता है? बुरखा ओल्ड सिटी। अच्छा, ओल्ड सिटी पे पहनते हैं। अच्छा, पर भी थोड़ा न्यू सिटी में चलेगा, पर चलो नॉर्थ वाले आते हैं वो लोग नहीं। भाभी क्या पहनती है? भाभी पूरा सूट्स पहनती है, साड़ी। अच्छा, भाभी क्यूट है। वेरी क्यूट। कर दिया तारीफ। भैया एक बात पूछूं, भाभी का नाम लेते साथ इतना ब्लेस क्यों कर रहे हो आप? वो हमारी जा रहे हैं। अरे क्या बात है। चलो और एक चीज पूछता हूँ आपको। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर जो ट्रैफिक वगैरह है, सिग्नल वगैरह कोई मानते कि नहीं मानते? बहुत सारे मानते हैं, मैं तो जेब का पैसा कटाना पड़ेगा। मतलब हैदराबाद में भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है ना कि गलत ड्राइविंग नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। चालान पड़ जाएगा। और भैया यहाँ खाने में जो फेवरेट है हैदराबाद, मतलब बिरयानी चलता है ना सबसे ज्यादा? मैंने आपको कहा यार खिला दो, अपन खिलाया नहीं, कल जाएंगे अपन मॉर्निंग। जैसा कि सोचोगे अभी आपको मैं ब्लॉग में ले रहा हूँ, ठीक है? और सोचोगे काफी लड़की लोग अभी मुझे मैसेज करेगी आपके नंबर लेने के लिए, तो मैं तब क्या करूँ? दे देना। भाभी देखो देखो क्या बोल रहे। ब्लॉग के लिए बोला है। नहीं, अगर आपको अगर सामने वाली गर्ल्स लोग आपको पसंद करती है तो अगर आपका नंबर मांगे मुझे, तो मैं क्या करूँ? यही पूछा था आपने, कहा दे दो। कहेंगे तो दे दो, वो तो ब्लॉक के लिए बोला है। तो भाभी क्या करेगी फिर? वो भी खुश हो जाएगी, ब्लॉक बना रहा है। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। और भैया काफी आप हैंडसम हो यार। चलो कम है यार बस। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, सच में आपकी जो स्माइल है इतना प्यारा, और आपने हैदराबाद में हमें घुमाया नहीं। हाँ, हैदराबाद लैंग्वेज बताओ। मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ बंगाली पे, ठीक है? आप समझ पाते हो कि नहीं? देखता हूँ अमित तुम्हारा के भालोबासी। अभी तुम्हारा भालोबासी नहीं मातम। नहीं, मैं बोलता हूँ हैदराबाद में ट्रांसफर कीजिएगा, ठीक है? आप बहुत खूबसूरत हो। तुम बहुत खूबसूरत है। अच्छा, तुम बोलते हैं यहाँ पर? हाँ। आप बोल रहे ना, तुम बोलते? तुम बोलते ना। यहाँ का लैंग्वेज मुझे एक लड़की बहुत पसंद आई। मेरे को वो बच्ची बहुत पसंद आई। बच्ची? हाँ। क्या बात है। और और ऐसे क्या पूछे आपको जो आप शर्मा जाओ, ऐसे वाले कुछ सवाल? हम अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम हमारी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, क्या बात है। हैदराबाद में बीवी बोलते हैं। बीवी बोलते हैं ना? हाँ। अच्छा, आजकल लेटर्स बहुत बढ़ जा रहा ना। अच्छा, तो चेंज हो रहा है लैंग्वेज में। अच्छा, आप कितने दिन से ये कैब ड्राइविंग कर रहे हो आप? 24 years। 24 years? क्या बात है यार। चलो, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, लव यू भैया।